हेलो एवरीवन, एंड आई एम श्याम सराफ। आज का गाइस टॉपिक ये है दैट हम क्लैट एग्जाम में कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है फॉर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इनका बात करने वाले हैं। बट क्यूटी से ज़्यादा मैं ये भी बोलूँगा कि आप क्वांट पे भी थोड़ा बहुत फोकस करो। नॉट ऑब्वियसली नॉट मोर देन क्यूटी, बट थोड़ा बहुत क्वांट पे फोकस, सो दैट आपका स्ट्रेंथ क्यूटी पे भी बढ़ जाए, राइट? तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ऑल्दो आई एम अ फर्म बिलीवर दैट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी साल कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट? तो जब भी एक सिलेबस डिफाइन किया जा रहा है कि क्लास 10 मैथ्स तक कुछ भी पूछ, यू नो, क्लास 10 मैथ्स तक कुछ पूछा जा सकता है, तो यू शुड नॉट बी लीविंग बिहाइंड एनीथिंग। यू शुड बी वेल प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग दैट कैन कम इन एन एग्जाम, राइट? बट फिर भी लुकिंग एट लास्ट 2 3 ईयर्स ऑफ पेपर, जिस तरह से पूछा गया है, हम वहां से एक आइडिया ले रहे हैं कि इन इन टॉपिक्स पे इस साल भी ज्यादा फोकस रहना चाहिए। और आप पहले एज अ बिगिनर आप उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, एंड देन लेटर ऑन आप बाकी टॉपिक्स पे जाकर के उनको भी कवर कर सकते हो। कम से कम उनके बेसिक्स कर लो, ताकि कब एग्जाम में अगर आ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप ब्लैंक हो, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इन टॉपिक्स पे तो फोकस करो, बट बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक जिनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, या मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? फोकस इनके ऊपर ज्यादा रखना है, राइट? सो एज पर मी, तो एनालिसिस जो लास्ट 3 ईयर के पेपर्स देखते हुए ये है कि आपका जो फोकस होना चाहिए, पहला टॉपिक दैट इज परसेंटेज पे अच्छा खासा होना चाहिए, राइट? परसेंटेज को आप भरपूर टाइम दो, अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट ऑफ इट, डू द क्यूए टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन इट पहले, यू नो, बिफोर यू गो टू ग्राफ्स, टेबल्स, केसेस, पैसेजेस, ये जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। हमारा मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, पैसेजेस को हमें सॉल्व करना है, पैसेजेस करना है, पैसेजेस करना है, एंड सो ऑन, राइट? एंड क्या होता है कि वो पैसेजेस के 2 4 लाइन पढ़ते हैं, 5 लाइन पढ़ते हैं, और बिल्कुल उनकी अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती है पैसेजेस कैसे आगे प्रोसीड करें। कई लोग ग्राफ को रीड नहीं कर पा रहे हैं, या उनसे बेसिक कैलकुलेशंस नहीं हो पा रहे, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज ग्रोथ कैसे फाइंड करें, इस तरह के क्वेश्चंस। तो एडवाइजेबल ये कि पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज करो, कम से कम जो क्यूए टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ऐसे 30 40 50 क्वेश्चंस लगा लो, यू नो, सो दैट यू गेट अ गुड होल्ड ऑफ परसेंटेज एज अ टॉपिक, राइट? जब आपको वो एक होल्ड मिल गया, देन आप इस तरह के क्वेश्चंस पे आओगे, आप देखोगे आपका स्पीड, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी वहां पे, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप परसेंटेज एज अ टॉपिक को पहले फोकस करो, क्योंकि परसेंटेज एज अ टॉपिक कैन बी यूज इन अदर एरियाज एज वेल, राइट? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज एज अ टॉपिक को हम पहले कवर करें। एक बार परसेंटेज एज अ टॉपिक कवर हो जाता है, देन यू मूव ऑन टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज रेशियोज। इन टॉपिक पे आप कवर कर सकते हो। ये कोर टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर जितने भी आपके ग्राफ्स हैं, मैक्सिमम जो जिस तरह के क्वेश्चंस क्लैट पूछ रहे हैं वहां पे, अब देखो ग्राफ्स में, टेबल्स में, या केसेस में, या पैसेजेस में, राइट, इनका यूज काफी है। परसेंटेज का बोल दो, या प्रॉफिट लॉस का बोल दो, या एवरेजेस या रेशियो का जो यूज है, ये एज अ टूल यूज करा जा रहा है वहां पे, राइट? तो इसको आपको अच्छे से ब्रशअप करना है, इनके सारे क्वेश्चंस टाइप करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन टाइप, इफ नॉट मैक्सिमम क्वेश्चन टाइप करने हैं, सो दैट यू आर फ्रेंडली विद दिस टॉपिक्स। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से दिखा, जैसे पैसेज में कैसे पूछ सकता है प्रॉफिट लॉस, आपको कंपनी के सेंस में पूछ सकता है रेवेन्यू, सेल्स, है ना, यूनिट्स, इस तरह से दे सकता है कितने यूनिट्स के कितना सेल्स हुआ, एंड सो ऑन, राइट? या फिर आपको एक इनकम एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पूछा सकता है प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, एवरेजेस एंड रेशोज के क्वेश्चन बन सकते हैं टू फिगर आउट द एवरेज सेल्स प्रॉफिट लॉस में, अगर मिक्स करना चाहते हैं तो रेशियोज का यूज कहीं पे भी किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बन सकता है। सो आइडिया ये है कि इन चार जो अरिथमेटिक के पोर्शन है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज एंड रेशियो, इनको आप पहले होल्ड, इन पे आप पहले कमांड लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इनके ऊपर कमांड लेकर के आओगे, बाकी इन सारे एरियाज पे, जैसे ग्राफ्स आपके जो हैं, या टेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, या पैसेज ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, जो मैक्सिमम इन एरिया से बन रहे हैं, उनको आप अच्छे से डील कर सकते हो। अब जिस पे जब भी अभी लास्ट 2 3 ईयर से जो क्लैट पे ज्यादा फोकस है वो आप सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं कुछ देर में बात करूंगा कि ग्राफ या टेबल या केसेस से मेरा क्या मतलब है, राइट? और उन पे हमें कैसे कैसे फोकस भी करना चाहिए। सो आइडिया ये है कि सबसे पहले आप इनके क्यूए बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, राइट?
अब क्योंकि क्लैट 2020 में देर हुआ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, राइट? सो ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले पूछा है तो अब नहीं पूछेंगे, ऐसा सोच नहीं सकते, राइट? क्योंकि पिछले 2 साल से ये पूछा जा रहा है कि पैसेजेस पे ज्यादा फोकस है, तो आने वाले जो क्लैट है उसमें नहीं पूछेंगे, ऐसा हम बिल्कुल एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक एजम्पशन है। जब आप बोले पैसेजेस पे पूछेंगे, वो भी एक एजम्पशन है, क्योंकि ऐसा तो मेंशन नहीं किया है कि हम सिर्फ पैसेजेस पूछेंगे, हम पैसेज के अलग ग्राफ पूछेंगे ही नहीं, राइट? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप बेसिक कंसेप्ट पता रहना चाहिए, जो फॉर्मुलेज हैं एरिया वॉल्यूम के, सरफेस एरिया, राइट? इन सारे फॉर्मुलेज को आप ब्रशअप कर लो, उनके उनका एप्लीकेशन कर लो, यू नो क्यूए टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, एंड देन केस बेस या टेबल बेस क्वेश्चन उनसे जो बनते हैं वहां से आप सॉल्व कर लो। एंड देन यू शुड नॉट लीव बिहाइंड एलजेब्रा एंड नंबर्स। जब मैं एलजेब्रा एंड नंबर्स का बात करूँ, आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत डीप डेप्थ में जाना है ऑफ दीज टॉपिक्स, यू जस्ट नीड टू हैंडल यू नंबर्स में आपका सेंस जो होना चाहिए, आपको बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए किस तरह के नंबर्स होते हैं एंड सो ऑन, प्लस आपको नंबर हैंडलिंग पता होना चाहिए, कैसे नंबर्स को हैंडल कर सकते हैं, राइट? कोई भी नंबर्स को ब्रेक करना है, राइट? वो ये सब चीजें आपको पता रहना चाहिए। एलजेब्रा में यू शुड बी एबल टू हैंडल स्मॉल एक्सप्रेशंस। आपको ये बात समझना है, देखो क्लैट में मैथ्स का पोर्शन बहुत कम है, राइट? 15 मार्क्स ऑन एन एवरेज अभी पूछ रहा है, राइट? विच इज अराउंड 10% ऑफ द पेपर। पर्पस क्या है कि आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का सेंस होना चाहिए, नंबर का सेंस होना चाहिए, परसेंटेज हल्का फुल्का, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होता है, आपको पता रहना चाहिए इसका यूज, इतना तो पता रहना चाहिए, एनी वन शुड बी नोइंग इट, राइट? अब क्या हुआ, अगर हम इन टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं, राइट, और एलजेब्रा और नंबर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, लेट्स से एक केस ऐसा आ गया जिसमें जो कोई टॉपिक रिलेटेड नहीं है बट सिर्फ हमारा सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, जो कि एलजेब्रा नंबर्स के ऊपर बेस्ड हो सकता है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इजंट इट? एंड वो इजी केस हुआ, तो हम ये बोलेंगे मैंने परसेंटेज किया नहीं, ये टॉपिक्स किए नहीं है, और एलजेब्रा नंबर्स रिलेटेड केस आ गया तो मैंने छोड़ दिया, एंड इट कैन बी अ वेरी इजी केस। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको नॉर्मल इक्वेशन हैंडलिंग आना चाहिए, नॉर्मल नंबर सेंस जो है वो आपका सही रहना चाहिए, सो दैट यू कैन हैंडल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? अब अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कौन से, ग्राफ्स, टेबल, केसेस, पैसेजेस, ठीक है? आप ये बात समझो कि बहुत हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैथ्स का नहीं आएगा, इवन इफ यू हैव लेफ्ट योर मैथ्स लेट्स से इन क्लास 8 और 9 और 10 के बाद कभी भी आपने छोड़ दिया है, इट इज नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट, इट इज नॉट रॉकेट साइंस कि आप इसको कवर अप नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम आपको डिवोट करना है, राइट? आप बिल्कुल मेरे क्लासेस अटेंड करो एंड आई एम श्योर यू विल स्टार्ट लाइकिंग मैथ्स, एटलीस्ट आप सॉल्व करना तो स्टार्ट करोगे, राइट? तो अगर आप 0 सॉल्व कर रहे हो, जहां वहां 5 मार्क्स भी आने लगे तो एक अलग लेवल ऑफ संतुष्टि आ जाएगी, इजंट इट? और जहां 5 आ रहे हैं वहां 10 12 आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप अलग, यू नो, आपके लिए गेम अलग हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स का ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा है, 10 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, जो भी आप स्कोर कर पाओ उस रेंज, 15 मार्क्स का पेपर, आई एम नॉट सेइंग 15 में 15 आएगा, बट 12 13 भी अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, 10 भी कर पा रहे हो, तो आपका कॉलेज, आप कॉलेज टू कॉलेज जंप कर जाओगे, आपका रैंक इतना बढ़ जाएगा वहाँ पे। इट इज रियली इम्पॉर्टेंट दैट आप इन टॉपिक्स पे फोकस करो, बट अगेन मैं वापस से ये पॉइंट कर रहा हूँ कि वंस यू आर डन विद दीज टॉपिक्स, मेक श्योर या यू कम्प्लीट दिस टॉपिक्स एज सुन एज पॉसिबल, एंड मेक श्योर कि आप बाकी टॉपिक्स जो भी हैं, टाइम स्पीड स्पेंड, टाइम एंड वर्क, या जो भी बाकी टॉपिक्स हैं, उनके भी कंसेप्ट आपको पता हो, कि जस्ट इन केस वहां उस एरिया से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैंने क्या बोला कि बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो क्लैट दे रहे हैं वो, उनको मैथ्स का डर है, राइट? अगर बहुत हाई फाई मैथ्स पूछ लिया, बहुत हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो वो जो मोटिव है मैथ्स पूछने का वो लॉस्ट हो जाएगा पेपर में, ठीक है? तो जो पूछ रहे हैं वही हाई लेवल है, आप ये सोच लो एक तरह से, एंड ये एक्चुअली एक सिंपल मैथ्स है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लेकर के चलो, बहुत हाई लेवल नहीं, आप नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, गेट होल्ड ऑफ दिस, पैसेजेस रीड करो, बट बिफोर डूइंग पैसेजेस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बाकी टाइप्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज
एक बार तो आ चुका है कि नॉन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं एक साल, राइट। और ऐसा हो सकता है कि अगले साल में भी दो पैसेज आ जाए इस बार, मतलब अगले साल का मतलब नेक्स्ट क्लैट का बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है दो पैसेज आए, एक डीए आ जाए, हो सकता है दो डीए एक पैसेज आए, हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है तीनों पैसेज आ जाए, कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल। यू हैव टू बी इन एंड आउट प्रिपेयर, राइट। अब मेरा पॉइंट है कि जब आप ग्राफ के पास जाते हो तो आप सबसे पहले नॉर्मल ग्राफ्स को सॉल्व करो, बीटा बार ग्राफ, बीटा लाइन ग्राफ, बीटा पाई चार्ट, नॉर्मल सिंगल, राइट। देन यू मूव फॉरवर्ड, मे बी अ सिंगल लाइक ऑफ टेबल, जैसे ये टेबल तो मैंने क्लैट का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ये मेंसुरेशन बेस्ड है, बट यू कैन टेक अ परसेंटेज ओरिएंटेड, एवरेज ओरिएंटेड एंड सो ऑन, जिसमें अलग अलग फर्स्ट फ्यू टॉपिक का बात किया उसके ऊपर ज्यादा, राइट। एंड वंस इट इज डन, देन यू गो टू अ मिक्स बार ग्राफ, मिक्स जिसमें आपके दो कंबाइंड बार ग्राफ्स है, मतलब आपको बाई चार्ट पार चार्ट भी पूछ रहा है, टेबल पूछ रहा है, या दो बार ग्राफ पूछ रहे हैं, या एक बार ग्राफ एक लाइन ग्राफ एंड सो ऑन, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे मूव करना है, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। एंड किस तरह के कैलकुलेशन है, क्या वो कैलकुलेशन हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, यू नो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सो ऑन, ये सब चीजों पे आपको फोकस करना है, ठीक। वंस यू आर डन विद दिस ऑल थिंग्स ऑल्सो, देन आप केसेस पे आ जाओ, कुछ ऐसे केसेस जो डीआई के फॉर्म में नहीं है, बट एक नॉर्मल सर्कल बना दिया जैसे यहाँ पे, और इस पे चार पांच क्वेश्चंस पूछ लिए जो कि एक मेंसुरेशन ज्योमेट्री रिलेटेड केस हो गया, राइट। एंड ऑब्वियसली जिस पे सभी फोकस कर रहे हैं आज के डेट में, उन पे तो आप सबको फोकस करना ही करना है, राइट। बट मैंने ये बोला कि ये जो टाइप्स मैंने बताया इनपे बिल्कुल ऐसा मत करो कि इनके पे फोकस नहीं करेंगे, फोकस बिल्कुल करिए, थोड़े बहुत ही करो, बट करो, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में अगर आ गया बाय चांस भी आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसेजेस बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो, सो ये कुछ पैसेजेस ऐसे ही मैंने डाल दिए यहाँ पर कि वैसे अगर आपको सेशंस अटेंड करने हैं गाइस पैसेजेस पे या कोई भी, तो यू कैन कैच मी अप ऑन अन अकेडमी पे मेरे सेशंस हो रहे हैं, एंड यू कैन अटेंड दी क्यूटी सेशन, आप एनरोल कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो यूजिंग माई कोड श्याम007, एंड अन अकेडमी पे आप कुछ स्पेशल सेशंस होते हैं गाइस, जहाँ पे आप आकर के मेरे साथ क्यूटी सेशन अटेंड कर सकते हो, एंड यू कैन चेक आउट कि डिफरेंट बार ग्राफ्स या केस पैसेजेस, इन सबको हम कैसे हैंडल करें, कैसे सॉल्व करना चाहिए, एंड आई एम श्योर दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू ऑल एवरीवन, आई होप टू सी ऑल इन द क्लासेस ऑल्सो, सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू विद सम अदर टॉपिक नेक्स्ट टाइम, या बाय बाय।